श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख करनी है, सुख करनी है दुख करनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोल मत बंद खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही सीता राम यही, श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुवक्षिणम्, उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम श्री राधे, हरि ओम
श्री सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम, इनके श्री चरणन में निर्वार आइए हनुमंत विराजिए, कथा सुनो इतिहास, आसन लीजो प्रेम से आदर पवन कुमार, हरि हरि श्री राधे। अधुरम मधुरम हृदयम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम, वचनम मधुरम सरितम मधुरम, वचनम मधुरम फलितम मधुरम, चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चरितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपते मधुराधिपते मधुरम मधुरम। Thank you.
गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें इसके पश्चात भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे मन रे
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित द्युति विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोली भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई जयकारा तो लाना चाहिए ना, जनता बहुत सारी है, आवाज मुझे एक भी नहीं आ रही। बोली भागवत महापुराण की, थोड़ा और दम लगाइए, भोजन किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रैक्टिस हो जाएगी। श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं भाग्योदय न बहु जन्म, हमारे अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना, तब जाके हमें भागवत कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। हमारा सहज में नहीं होता है, कोई ना कोई पैसे हैं हमारे पास भागवत कराने के लिए, लेकिन मन होता ही नहीं कि कथा सुने। ये तो अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाके भगवान की कथा को श्रवण करने का हमारा योग लगता है। महाराज राम कथा शशि किरण समाना सत्य चकोर करही जही पाना। ये राम जी की जो कथा है, ये भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, इसको कोई संत व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। अब मैं ये ना कह रहा हूं कि संत कोई भगवा वस्त्र पहनने वाले को ही संत बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। संत का मतलब है जो भगवान की कथाओं का रसस्वादन करके अपने जीवन में धारण करे उस कथाओं को, वो संत है। जो माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करे, जो भगवान के मंदिर में नित्य जाए, जो भगवान से प्रेम रखे, वही संत है। संत कोई वस्त्र पहनने से संत नहीं होता महाराज, कर्म से संत होता है व्यक्ति। तू संत चकोर करे जही पाना। जिस प्रकार चकोर नाम का पक्षी देखा है आपने, वो चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा जब अस्त उदय होता है, उस समय टकटकी लगा के देखना प्रारंभ करता है। जब तक देखता है, जब तक वो चंद्रमा अस्त ना हो जाए। जब तक वो टकटकी लगाए देखता ही रहता है। उसी प्रकार राम कथा की जो श्रोता है, रसिक बंधु जो है, जो कृष्ण कथा की रसिक बंधु है, वो भागवत को तब तक सुनते हैं जब तक भागवत कथा का विश्राम ना हो जाए। तो आप सभी भाव से भगवान की कथाओं का श्रवण करें। कहते हैं कि कई संतगण बैठे हुए हैं और वहां पर एक महापुरुष आए, सूत जी महाराज। बोले के भाग्योदय न बहु जन्म, अनंत जन्मों के भाग्योदय होते हैं, तब जाके संतों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो संतों ने पूछा, गुरुदेव ये भागवत है क्या? भागवत है क्या, इसका अर्थ बताइए हमें। तो बताया कि इस भागवत कथा में क्या क्या है। इसमें सारी लीला राधेश्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, इसमें सारी लीलाओं का संक्षेप मात्र में जोड़ा है,
मनो गंधी ने पृथ्वी पे फूलों का सर निचोड़ा है। विशेष बात मैं आपको बताऊं, आप आज से लेकर 7 दिवस तक भागवत कथा श्रवण करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पहले भागवत कथा किस किस ने सुन रखी है? हाथ खड़े करो जरा। बस इतने ने सुनी है? 5-7 के हाथ खड़े हुए खाली। पहली बार है क्या? ये सुन लो, ठीक है? इसके बाद कभी भी हाथ नीचे मत रखना कि नहीं सुनी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में 3 बातें बहुत समझने की है। कौन कौन सी वो 3 बातें? पहली तो है सत्य। हम लोग बात बात पे बोलते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय हो सच्चिदानंद। ये है क्या? सत माने होता है सत्य, चित माने होता है प्रकाश, और आनंद माने आनंद की परिभाषा जानते हो कि डल्लभ के गद्दे पे सोना ही आनंद है, है? अच्छे ऊंचे बंगले में सोना, अच्छे बड़े बड़े बंगले बनाकर उसमें राजपाट करना, ये आनंद है? आनंद नहीं है। हम सांसारिक वस्तुओं को आनंद समझते हैं, जो हमें सहजता में प्राप्त हो जाती है उसे हम आनंद समझते हैं। जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी परिवार, इसका आनंद नहीं होता है। आनंद तो मीरा ने देखा है, आनंद क्या होता है? सुदामा जी ने देखा है आनंद क्या होता है? कई भक्त हुए जिन्होंने देखा है कि आनंद क्या होता है। कहते हैं इस संसार में
कोई व्यक्ति भी दावे के साथ अपने हृदय पे हाथ रखकर नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। किसी ना किसी को कोई ना कोई बात का दुख जरूर ही है, कोई नहीं बोल सकता, किसी ना किसी बात का दुख है ही। अभी भाई पैदल चल रहे हैं, किसी की साइकिल जाती हुई देखी उसको, उसने कहा यार पैदल चल रहे हैं अपन, यदि अपने पास साइकिल होती तो बड़ा आनंद आता, रास्ता जल्दी पूरा होता अपना। अब साइकिल आई उस व्यक्ति के पास, साइकिल खरीदी उसने, साइकिल से चल रहा है। आज बाइक वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला पास से निकल गया, उसने सोचा मोटरसाइकिल होती तो आनंद आता। अब मोटरसाइकिल जब उसको प्राप्त हुई आने वाले समय में, तो वो जा रहा है कहीं, उसने देखा फोर व्हीलर निकल रही है साइड से, बोलेरो बड़ा वाहन निकल रहा है कि यार ये बड़ा वाहन ये स्कॉर्पियो बोलेरो मेरी होती तो बड़ा आनंद आता, बोलेरो मिल गई। अब महाराज उससे भी बड़ा कुछ सोचे वो, तो जीवन में ये लगा हुआ रहता है कि करिश्यामि की चिंता ये थे कि मैं करूंगा अभी वहां पर जाना है मुझे, वहां जाना है, वो करना है, वहां फैक्ट्री खोलनी है, बड़े बड़े काम सोचते हैं महाराज जी, लेकिन मरिश्यामि हम भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े सब दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास रहकर दुखी है, लेकिन दुखी है। और अंत में क्या लिख दिया कि थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम का दास। बोली रामचंद्र भगवान की। तन दुखी का मतलब जानते हो ना, जब हम अपनी माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, गर्भ में जब हम लोग उल्टे लटकते हैं तो महाराज छोटे छोटे माँ के पेट में जो जीवाणु होते हैं वो हमें काटते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उस समय माँ का गर्भ, बताऊं आपको, माताएं बुरा ना माने आप, ये माताओं का गर्भ जो होता है ये कुंभी पाक नामक नरक कहा गया है शास्त्रों में। कुंभी 18 नरक होते हैं ना, इसमें कुंभी पाक नामक नरक माताओं का गर्भ बताया है, जिसमें हम लोग पड़े रहते हैं जब गर्भ में आते हैं। तो महाराज जब हम गर्भ में माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए होते हैं ना, उस समय हम भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे संसार में भेजो, मैं संसार में जाने के पश्चात आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका नाम जपूंगा, और ठीक मैं तो जपूंगा लेकिन दूसरे को भी जपवाऊंगा नाम आपका। लेकिन क्या होता है पता है, जब भगवान 9 महीने के पश्चात हमें उस गर्भ से, उस नरक से बाहर जब निकालते हैं, तो महाराज व्यक्ति जब बाहर की हवा लगती है ना, जब आपने देखा होगा बालक पैदा होता है तो उसको एक वो शहद की उंगली उसके मुख में घुमाते हैं, अब आजकल नहीं घुमाते होंगे, पहले घुमाते थे मैंने सुना है। तो बालक के मुख में जब शहद का हल्का हल्का स्वाद मीठा मीठा आया, तो वो बालक धीरे धीरे उस इस मीठे स्वाद में उस परमात्मा को भूलने लगा। मुझे शहद चटाई संसार वालों ने, उनके पीछे पड़ गया, माता बना ली, पिता बना लिया, भाई बना ली, बहन बना लिया, परिवार सदस्य पूरे खानदान बना लिया उसने यहीं पर, लेकिन उस परम पिता को भूल गया जिसने तुझे गर्भ में भेजा। तो भगवान, ये आपने देखा होगा कभी बालक पलने में सोता रहता है, माताओं को ज्ञात होगा, कभी बालक पलने में सोता रहता है तो पलने में वो कभी कभी अचानक रोने लगता है और अचानक चुप भी हो जाता है, आपने देखा होगा। आपको पता है उस समय वही परमात्मा आता है उसके पास और कहता है कि अरे भूल गया, यहाँ सो रहा है अपनी मस्ती में, भूल गया नाम जप रहा है तू, तूने कहा था ना संसार में जाने के बाद नाम जपूंगा, भूल गया। उस समय बालक रोता है, भगवान कहते हैं तुझे पुनः उसी नरक में डालूं क्या,
कि उससे बड़े नरक में डालो तुझे, तो वो बालक रोने लगता है, प्रभु क्षमा करो मैं नाम जपूंगा। गर्भ में इकरार किया वो भी तू बिसरा गया, ब्याज का तो जिक्र प्यारे मूल धन भी खा गया। तूने गर्भ में इकरार किया था भजन करूंगा, अब ठीक है तू तो नहीं कर रहा, लेकिन तूने कहा था कि मैं दूसरों को भी करवाऊंगा, तो ब्याज का तो जिक्र ही प्यारे, लेकिन तू मूल धन ही खा गया। तूने कहा था तू तो जाप नहीं कर रहा है, मूलधन ही खा गया, ब्याज का तो जिक्र नहीं करता, फिर मैं दूसरे को क्या करवाएगा। अब कर ले भजन भगवान का वरना काल कुड की आवेगी, जिंदगी से अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। आइए भगवान का भजन कर ले, नहीं तो अपनी भी जिंदगी नीलाम कर दिया भगवान। सभी भाव से तालियों का स्वागत करें। सेवा कोई नहीं कर सके इस गांव में।
माता पिता की सेवा करना करें। नहीं करते हो तो आज संकल्प लो यहाँ पर भागवत जी के सामने, माता पिता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? ये सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, ये सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। राम राम बोलो हरे हरे, राम बोलो रे राम, राम बोलो हरे हरे, राम बोलो रे बोलो 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 मन शुभ शाम बोलो रे, बोलो 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 मन हाथो विश्लेषण किया होगा तभी तो हमें बताया कि बेटा राम राम करना सीखो। कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए तो राम राम करो, महापुरुष आए तो राम राम करो, रास्ते में कोई मिले तो राम राम करो। क्यों करते हैं? हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने कुछ विश्लेषण तो किया होगा। अच्छा एक बात बताओ, वर्णमाला किस किस को याद है अभी तक स्कूल की? रा शब्द जो होता है कितने नंबर का होता है वर्णमाला में? अरे बोलो भाई, रा शब्द कितने नंबर का होता है? 27 नंबर का रा शब्द होता है वर्णमाला में। इसके बाद आ की मात्रा कितने नंबर की होती है? बोलो ना, भूल गए शायद सब। दूसरे नंबर की होती है आ की मात्रा। अब 27 और 2 कितने हो गए? 29 हो गए। मां शब्द कितने नंबर का होता है? मां शब्द होता है वर्णमाला में 25 नंबर का। अब 29 और 25 कितने हुए? 54 हुए। अब बताइए 54 और 54 कितने हुए?
108। एक बार राम बोलने में 54, दो बार बोलते ना राम राम तो 54 और 54 108, यानी एक माला में 108 पारा होते हैं महाराज। हमारी एक माला चलते फिरते ही हो जाती, इसलिए राम राम बोलते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना उदास है महाराज। एक बात बताऊं, बहुत सुंदर बात है, हम कितना ही धन 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 जीवन भर कर ले, लेकिन लास्ट में मरेंगे तो शोक पत्रिका में क्या लिखा रहेगा कि आज इनका निधन हो गया। जीवन भर कितना ही धन धन करो, लेकिन अंत में शोक पत्रिका में यही लिखा जाता है कि आज इनका निधन हो गया। एक गांव में किसी की मृत्यु हो गई तो उसको तरगटी जानते हो ना, जिसपे वो सुलाकर ले जाते हैं, उस पे सुलाकर शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक महात्मा जी रास्ते में खड़े हुए थे। महात्मा जी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा है भैया कि गुरुजी ये शमशान में जा रहे हैं और राम नाम सत्य है इस प्रकार का नारा लगाते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार का जाप करते जा रहे हैं। बोले जाप क्यों कर रहे हैं और ये सो रहा है क्यों है ऊपर? महात्मा जी ने कहा, ये सो क्यों रहा है ऊपर? उसने कहा, महात्मा जी इस समय मजाक का समय नहीं है, ये सो नहीं रहा है, इसकी मृत्यु हो गई है, ये मर गया है, इसको शमशान ले जा रहे हैं। अच्छा, तुम क्या बोल रहे हो कि हम राम का नाम बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये क्यों नहीं बोल रहा? क्या बताया तो सही, ये मर गया। अच्छा, ये मर गया इसलिए राम नाम नहीं बोल रहा है। अच्छा, तुम जीवित हो इसलिए राम नाम बोल रहे हो। तो समझे इस बात को, जो व्यक्ति जीवित हो वही राम नाम बोल सकता है, और जीते जी जो मर गया हो वो क्या राम नाम बोलेगा है? तो महाराज राम शब्द बड़ा प्रभावी। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा कि गुरुजी ये जो अर्थी जाती है इसके ऊपर हम पुष्प फेंकते हैं, मखाना फेंकते हैं, पैसा क्यों फेंकते हैं, ये सामान क्यों फेंकते हैं? जब वो निकलती अर्थी शमशान के लिए जाते हैं तो मखाना वो पुष्प पैसे क्यों फेंकते हैं? तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि बालक हम लोग फूल उस अर्थी पे इसलिए फेंकते हैं कि ये अगले जन्म में जहां भी जन्म ले अच्छा फले और फूले। मखाना इसलिए देते हैं इसका पूरा जीवन शुभ फलित हो, इसलिए मखाना हम फेंकते हैं इसको। अब उसने पूछा, पैसा तो फेंकते हैं ऊपर? बोले पैसा इसलिए फेंकते हैं जीवन भर ये पैसा के पीछे पड़ा रहा, पैसा कमाने, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा के लिए इसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन भगवान को ना जपा इसलिए इसके ऊपर फेंकते हैं। ले जा तेरा पैसा, ले जा, उठा, इसलिए परिवार के लोग ही फेंकते हैं। तो महाराज ये धन धन ये पैसा पैसा ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा। हाँ, समझते हैं परिवार के पालन पोषण के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता लगती है, लेकिन अर्थ से ज्यादा हमें राम नाम की आवश्यकता लगती है, ये सदैव जीवन में ध्यान रखना चाहिए हमें। एसी रूम में सोना कोई आनंद नहीं है महाराज। कहते हैं हाँ, एक बात और बताऊ आपको, आपको नहीं पटेल साहब की इतनी बड़ी हवेली है, सरपंच साहब के इतना बड़ा घर है, बहुत पैसा वाले हैं। एक बात बताऊं, व्यक्ति पैसे से धनवान नहीं होता है, ठीक है? पैसे से व्यक्ति कोई भी धनवान नहीं होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जागो राम धन होए। धनवंता उसे ही जानना चाहिए जिसके पास राम नाम का धन है महाराज। नहीं तो कई धनवान ऐसे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक सेठ जी है महाराज, करोड़ों रुपए का टर्नओवर रोज करते हैं। आपने सुना है जियो की सिम वाला? मैंने सुना है मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, मैंने सुना है। तो महाराज ऐसा कोई सेठ था बहुत बड़ा, मैं उनके यहाँ गया,
इंदौर के हैं सेठ जी, मैं उनके यहाँ गया। अब सेठ जी बड़े पैसा वाले, अब भोजन करने के लिए हम लोग बैठे, तो भोजन किया तो सेठ जी ने मेरे लिए तो पकवान मंगवाए, घर पे बनवाए। अब सेठ जी उनके लिए मूंग की दाल बिना तेल प्याज इत्यादि जो डालते हैं ना सब्जी में बघारने का, बिना बघारे दाल मूंग की और रूखा फूलका बिना घी का। मन की पटेल साहब इतना पैसे वाले हो फिर भी कभी सही कर रहे हो क्या? मजाक में कहा मैंने। उनने कहा गुरुजी ये पैसा किस काम का? गुरु डॉक्टर ने मना किया है कि यदि मैं घी ये तेल ये ज्यादा चटपटा खा लूंगा तो अभी जय शराम हो जाएगी, इसलिए नहीं खाता। अब बताइए वो पैसा कोई से काम का है क्या? पैसा हाँ एक बात है, आपका धन अपवित्र होता है महाराज। धन हमारा जो है ना घर में रखा रखा अपवित्र होता है। एक कुआ है उसमें जल भर के रख दो और 10-15 साल तक उस कुएं में से एक भी जल के बाल्टी ना निकालो, एक भी बूंद जल ना निकालो तो वो जल अपवित्र हो जाएगा, वो पीने योग्य रहेगा क्या? उसी प्रकार धन का जो व्यय करता है अच्छे कार्य में, जैसे भागवत कथा हो रही है यहाँ पर सभी ने उगाई दी है लगभग लगभग गाँव में, सभी की सम्मति से हो रही है। तो महाराज ये हमारे यानी 100 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए कम से कम हमें दान में देना चाहिए। हमारे हिसाब से जो हम कमाते हैं उसमें से 1% हमें दान में देना चाहिए ताकि हमारे 99 रुपए वो पवित्र हो सके। कहते हैं तन मन और धन कैसे पवित्र होते हैं, संतों ने रिसर्च किया है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो ये त्रिविध कल्याण। देखिए तन हमारा पवित्र होता है सेवा करने से, गुरुजनों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, इनसे हमारा तन पवित्र होता है, कोई रोग नहीं होगा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, दान करने से धन पवित्र होता है और मन पवित्र हरि भजन से वो ही त्रिविध कल्याण। मन हमारा पवित्र होता है भगवान के भजन करने से। और संतों ने बहुत सुंदर यहाँ पर आगे लिखा है कि धन हमारे पास कितना ही आ जाए लेकिन जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। और हमारे पास आज धन नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम भगवान को कोसे, भगवान को गालियां फटकारे, गाली दे अपन, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जब मुसीबत में होते हैं जब भगवान को गाली देते हैं। वो चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को बुलाना ना चाहिए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए अभिमान दिखाना ना। हो चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, हो चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को बुलाना ना चाहिए, हो चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। ओ पारा मारा जीवन में गरीबी, अमीर हम बने तो भगवान को
नहीं बुलाना चाहिए, यानी घमंड जीवन में नहीं आना चाहिए। चाहे कितने ही भगवान हमें निर्धन कर दे, लेकिन मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा है, तुम्हारे ही कर्मों के द्वारा जो भी हुआ है, ये कर्म प्रधान है, यही नियम है संसार का। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करिरा, जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ये कर्म प्रधान है। कोहू ना काहू सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता और ना ही कोई किसी को दुख देता है। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा सुख भोगते हैं और अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगते हैं, कोई किसी का नहीं। तो कहते हैं तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों का अभिनिष्ट करने में जिनका सामर्थ्य है, कौन सा है? रामायण में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक, देह यानी हमारे जो देहधारियों का जो देखा होगा अपने बॉडीगार्ड लोग, यह ताप ही राम राज्य में काम नहीं करता। इसके बाद में दैविक जो देव्य शक्तियों का ताप होता है वो राम राज्य में कतई भी नहीं चलता। दैविक दैहिक दैविक भौतिक यानी जो तंत्रोक्त जो शक्तियां हैं उसका भी ताप राम राज्य में नहीं चलता। राम राज्य माने आप यही नहीं समझे कि अयोध्या राम राज्य है। राम राज्य जिसके हृदय में राम बैठा है, ये पूरा उसका ही राज्य है। पूरा शरीर जिसके हृदय में राम मन मंदिर में बैठा है, उसके पूरे शरीर में राम बैठा हुआ है और वही उसका राज्य है। इसमें दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार का ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं हम सभी। आइए नेमिषारण्य क्षेत्र में हम जरा चले। नेमिषे सूतमासीना मविवादय महामतिम कथायामृत रश्वादु कुशलाशोन को ब्रवीत। नेमिषारण्य क्षेत्र है। अच्छा कौन कौन गए हैं नेमिषारण्य? हाथ खड़ा करें जरा। कोई नहीं गए हैं नेमिषारण्य तीर्थम? नहीं गए कोई? नेमिषारण्य संतों का क्षेत्र है महाराज, बड़े संत महाराज वहां पर कथाएं चलती ही रहती है भागवत जी। नेमिषारण्य क्षेत्र में एक समय नेमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान है। 88,000 ऋषिगण वहां पर नेमिषारण्य में विराजमान है। उन संतों की